दोस्तों अगर आप लोग इन दोनों डॉग ब्रीड में से किसी को भी परचेज करना चाहते हो तो आज आप लोग एकदम परफेक्ट वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए ये दोनों डॉग ब्रीड काफी अच्छे प्राइस में लेकर आया हूं। एंड आई एम श्योर ऐसा प्राइस आप लोगों को और किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ये दोनों डॉग ब्रीड थोड़ी महंगी है, बट हमारे चैनल पर आप लोगों को सभी डॉग ब्रीड काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अपनी फेवरेट डॉग ब्रीड को परचेज करना चाहते हो और वो भी रीजनेबल प्राइस में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर ऑल पर कर लें ताकि आप लोगों को मेरी सभी वीडियो से अपडेट्स मिलती रहें। तो वही हमारे आज के इस एपिसोड में बात करने वाले हैं दो डॉग ब्रीड के बारे में जो कि स्मॉल टू मीडियम साइज की हैं, जो है सिचू एंड पीगल। तो फ्रेंड्स दोनों ही डॉग ब्रीड काफी अच्छी क्वालिटी की हैं, और अगर आप लोग प्राइस से कंपेयर करोगे तो भाई क्वालिटी और भी जबरदस्त है, क्योंकि भाई इस प्राइस में आप लोगों को ये डॉग ब्रीड मिलना काफी मुश्किल है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि यार मंजीव पपीज का प्राइस कम है तो हो सकता है कि हमें क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वालिटी में आप लोगों को कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, दोनों ही पपीज काफी अच्छी क्वालिटी में है एंड प्रॉपर मार्किंग में भी। वैसे थोड़ा सा मैं आप लोगों को इन ब्रीड के बारे में बता देता हूँ कि ये ब्रीड किस टाइप की है। तो वैसे अगर बीगल के बारे में बात करें तो बीगल वन ऑफ दी एक्टिव एंड ऑलरेडी सोशलाइज्ड डॉग ब्रीड है, जो किसी भी फैमिली के लिए एक परफेक्ट डॉग ब्रीड हो सकती है, बट सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें एक फैमिली डॉग ब्रीड चाहिए, क्योंकि बीगल बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होते और ये ना ही किसी के ऊपर अटैक करते हैं। तो अगर आप लोगों को गार्डिंग के लिए कोई डॉग ब्रीड चाहिए तो बीगल आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो बीगल को सिर्फ वही लोग परचेज करें जो अपनी फैमिलीज और छोटे बच्चों के लिए एक मीडियम साइज की फ्रेंडली डॉग ब्रीड परचेज करना चाहते हैं। तो वीडियो में आप लोग पपीज को देख रहे हैं कितने एक्टिव पपीज हैं, और ये पपीज जस्ट 40 डेज के हुए हैं। एंड ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल के 9,500 रुपीज 9,500 रुपए, एंड फीमेल के जस्ट 7,500 रुपीज यानी 7,500 रुपए। और इन बीगल के साथ जो ये सिटू है ये एक मेल पपी है, और आप लोग इसका प्राइस कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वैसे डोंट वरी यार, इसका प्राइस भी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा। वैसे भाई अगर फिलहाल सिटू का देखा जाए तो ये आप लोगों को काफी मुश्किल से 20,000 पीस के नीचे मिलते हैं, अदरवाइज इनका प्राइस 20 से ऊपर ही होता है, चाहे आप लोग मेल को परचेज करो या फिर फीमेल को। वैसे इस वीडियो में आप लोगों को सिटू में फीमेल पपीज नहीं मिल पाएंगी बिकॉज वो ऑलरेडी सेल हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अगर सिटू पपीज की एज के बारे में बात करें तो ये जो पपीज है ये 45 डेज के हो चुके हैं, और ये दोनों डॉग ब्रीड एक ही ओनर के पास है, और ओनर की जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से। बाकी ओनर आप लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पर, या फिर आप लोग इनके घर जाकर भी इन पपीज को परचेज कर सकते हो। बाय द वे गाइस, आई एम श्योर आप लोग काफी एक्साइटेड होंगे सिटू के प्राइस के बारे में जानने के लिए। तो चलिए बात करते हैं इनके प्राइस के बारे में। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि जो सिटू पपीज हैं ये सिर्फ मेल ही अवेलेबल है, एंड ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो है जस्ट 15,000 पीस यानी सिर्फ 15,000 रुपए। बाकी इन दोनों का जो प्राइस है वो नेगोशिएबल है, तो बार्गेनिंग करके आप लोग और भी प्राइस कम करा सकते हो, जो कि आप लोगों के लिए काफी अफोर्डेबल हो सकता है। तो मेरे जिन व्यूअर्स को भी वीडियो जरा सी पसंद आई तो प्लीज यार वो लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलता हूं आप लोगों से एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।